और अब इस गरिमामय समारोह के मुख्य अतिथि मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ शासन माननीय श्री भूपेश बघेल जी प्रदेश की जनता के नाम अपने संदेश का वाचन करेंगे। आमचो भारत चो सबले बड़े तिहार गणतंत्र दिवस बेरा आमचो सियान सजन आया दीदी भाई बहन मनला खुबे खुबे जोहार। आज आमचो संविधान के जय जयकार करतो दिन आए। आज सब रहतो बिता मानुचो जय जयकार करतो दिन भले आए। काय आए कि गणतंत्र चो विचार ने सबचो अधिकार आसे। यही आमचो संविधान चो सुंदरता आए। जे चो काजे आमचो पुरखा मन बलिदान दिला और अंग्रेज मन के खेदुन आम के रैयत राज दिला। हुंचो बात असन संविधान बनाला जाके खुद आम भारत चो लोग मन खुद को सौंपलू माने हर हनुचो संविधान आए। जे चो काजे मतदाता मन चो वोट ले सरकार बने से असन संविधान और रैयत राज के बचा तो जवाबदारी आमचो और एतो बीती पीढ़ी चो आए। आज गणतंत्र दिवस के पावन अवसर पर मैं सबसे पहले छत्तीसगढ़ मातारी के महान सपूतों अमर शहीद गैन सिंह शहीद वीर नारायण सिंह वीर गुंडाधुर का सादर स्मरण करता हूँ जो हमारे आदिवासी समाज से आते हैं। इन वीर जवानों का बहुत बड़ा योगदान हमारे राष्ट्रीय आंदोलन में रहा जिन्होंने छत्तीसगढ़ के दुर्गम अंचलों में रहकर छत्तीसगढ़ मातारी के मान को भारत माता के सम्मान के साथ जोड़ा। भारत माता के लाखों सपूतों और सुपुत्रियों की शहादत को याद करना हमारा परम कर्तव्य है। मंगल पांडे भगत सिंह चंद्रशेखर आजाद रामप्रसाद बिस्मिल अशफाक उल्ला खां रानी लक्ष्मीबाई रानी अवंतीबाई नेता सुभाष चंद्र बोस लाल बाल पाल और उनके सामार्गियों से देश कभी उरीण नहीं हो सकता। बहनों और भाइयों हमें गर्व है कि हम महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों और संविधान निर्माताओं के वंशज हैं। हमारे पुरखों ने आज़ादी की लड़ाई में देश की एकता और अखंडता को बनाए रखने के लिए देश में समरसता के मूल्यों और संस्कारों को बचाए रखने के लिए कुर्बानी दी है। जो लोग इस भावधारा से जुड़कर अपने आप को देखते हैं वे लोग ही हमारी विरासत के महत्व को समझ सकते हैं। इसलिए मैं चाहूँगा कि आप सब नई पीढ़ी को स्वतंत्रता संग्राम और संविधान के मूल्यों से अवगत कराएं। जब तक देश इस संविधान के अनुसार चलता रहेगा तभी तक हम सबकी और देश की आज़ादी सुरक्षित रहेगी। हमारे संविधान की बदौलत ही हमारा देश लोकतंत्रात्मक गणराज्य कहलाता है। इससे नागरिकों को न्याय स्वतंत्रता समता गरिमा और बंधुत्व का वरदान मिलता है। आधुनिक भारत के संस्कार और स्वरूप को गढ़ने में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रथम विधि मंत्री बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर प्रथम उप प्रधानमंत्री तथा गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल प्रथम शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आज़ाद लाल बहादुर शास्त्री श्रीमती इंदिरा गांधी राजीव गांधी जैसे विभूतियों के योगदान को कभी भुलाया नहीं जा सकता। वहीं पंडित रविशंकर शुक्ल ठाकुर प्यारेलाल सिंह
बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव, डॉक्टर खूबचंद बघेल, पंडित सुंदरलाल शर्मा, डॉक्टर ई राघवेंद्र राव, क्रांति कुमार, बैरिस्टर छेदीलाल, लोचन प्रसाद पांडे, यति यतीन लाल, डॉक्टर राधाबाई, पंडित वामन राव लाखे, महंत लक्ष्मी नारायण दास, अनंत राम बरछिया, मौलाना अब्दुल रऊफ खान, हनुमान सिंह, रोहिणी बाई परगनिया, केकती बाई बघेल, श्रीमती बेलाबाई, इंद्रू केवट, उदाराम वर्मा, खिलावन सिंह बघेल, घसिया मंडल, बंसीलाल बघेल, रामलाल वर्मा, अयोध्या प्रसाद कश्यप, डोरीलाल बघेल, सखाराम तिवारी, खुबीराम कश्यप, रमाकांत दुबे, राम प्रसाद पोटई, धनीराम वर्मा, परसराम सोनी, लाल कालेंद्र सिंह, हेड़मा मांझी, धुरवाराम माड़िया, अश्वाराम वर्मा, केजऊ कोटवार, दौलतराम साहू, रामेश्वर वर्मा, चुनगुराम वर्मा, लखन राम वर्मा, सिरा सिंह, निर्मल जैसे अनेक स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने राष्ट्रीय आंदोलन में छत्तीसगढ़ की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित की थी। मैं इन सभी को सादर नमन करता हूं। बहनों और भाइयों, हमारे संविधान में लिखी गई इबारतों को बहुत ही साफ मन से और न्याय के अटूट इरादों से ही समझा जा सकता है। मुझे खुशी है कि विरासत में हमें न्याय के लिए जो अधिक साहस मिला है, उसी को हमने अपनी सरकार का मूल मंत्र बनाया है। सबसे कमजोर तबकों को सबसे पहले और सबसे ज्यादा तवज्जो देकर न्याय दिलाना हमने अपना प्रथम कर्तव्य माना है, जिसके कारण हम बिना किसी संशय के विगत 4 वर्षों से छत्तीसगढ़ महतारी की सेवा पूरी लगन से कर पा रहे हैं। मेरा मानना है कि जनता को अधिकार और न्याय दिलाने के लिए शासन प्रशासन को पूरी तरह पारदर्शिता, संवेदनशीलता, नाकाम परिपाटियों में बदलाव के साहस के साथ काम करना पड़ता है। किसी मसले को उसकी समग्रता में देखते हुए उसके हर आयाम को लेकर समुचित व्यवस्था करनी पड़ती है। इसी तरीके से हमने काम किया और बड़ी सफलताएं हासिल की है। हमें विश्वास था कि छत्तीसगढ़ राज्य गठन से आदिवासी बहुल अंचलों के अनमोल संसाधनों का लाभ स्थानीय जनता को देने के लिए नए रास्ते बनेंगे, लेकिन विडंबना है कि ऐसा नहीं हो पाया था। बड़े निवेश लाने के नाम पर हसीन सपने दिखाए जाते थे, न निवेश हुआ न सपने पूरे किए गए। हमने यह साबित किया कि बड़े निवेश के नाम पर आदिवासी अंचलों के विकास को रोके रखना कदापि उचित नहीं था। प्राकृतिक संसाधनों, वन संसाधनों और स्थानीय मानव संसाधन की शक्ति से भी बड़ा बदलाव किया जा सकता है। राज्य सरकार में आने के बाद हमने पहले दिन से बदलाव के लिए ईमानदार प्रयास शुरू किए, जिसका नतीजा आप सबके सामने है। आपको याद दिलाना चाहूंगा कि आजाद भारत में आम जनता को जितने भी महत्वपूर्ण अधिकार दिलाए गए, न्याय देने के काम किए गए, वे सब स्वतंत्रता आंदोलन का नेतृत्व करने वालों और उनके वंशजों की बड़ी सोच के कारण संभव हुआ। वन अधिकार अधिनियम भी ऐसा ही कानून है जो हमारे नेताओं ने देश में लागू किया था, जो अनुसूचित जनजातियों एवं परंपरागत वन निवासियों की जिंदगी संवार सकता था, लेकिन प्रदेश में इस कानून का अमल सही इच्छा शक्ति से नहीं हुआ था। वन अधिकार के दावे को बड़े पैमाने पर खारिज किया गया था और उनके प्रावधानों को लागू नहीं किया गया था। आज मुझे यह कहते हुए खुशी है कि हमने सिर्फ 4 वर्षों में वन अधिकार पत्रों के तहत दी गई भूमि को 11 लाख से बढ़ाकर 40 लाख हेक्टेयर कर दिया है। सामुदायिक वन संसाधन अधिकार पत्र तथा नगरी क्षेत्र में वन अधिकार पत्र देने की पहल प्रदेश एवं देश में पहली बार हमने किया। इस तरह अनेक प्रयासों से हमने 5 लाख से अधिक परिवारों को निश्चितता से उभारा, रोजगार और विभिन्न योजनाओं का लाभ दिलाया।
हमने विभिन्न जनहितकारी योजनाओं के लिए वन अधिकार पत्रधारियों को पात्रता दी है। वन अधिकार अधिनियम के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु 13,586 ग्राम स्तरीय वन अधिकार समिति के साथ उपखंड एवं जिला स्तरीय समितियों का गठन किया गया। इसी तरह विशेष रूप से कमजोर जनजातियों को पर्यावास का अधिकार देने की शुरुआत भी हमने धमतरी जिले से की है। हमें यह देखकर बहुत अफसोस होता था कि प्रकृति और वनोपज की रक्षा करने वाले लोग अपनी आमदनी के लिए अपने अधिकारों से वंचित थे। हमने आदिवासी भाई बहनों को न्याय दिलाने के लिए लघु वनोपज उपार्जन के सभी पहलुओं का पर काम किया। 7 से बढ़ाकर 65 वनोपजों के लिए समर्थन मूल्य देने तथा मूल्य वृद्धि के साथ उपार्जन केंद्र में समुचित व्यवस्था भी की, जिसके कारण अब हम देश के कुल वन उपज खरीदी का 75% खरीद रहे हैं। तेंदुपत्ता संग्रहण पारिश्रमिक 2,500 से बढ़ाकर 4,000 रुपये प्रति मानक बोरा किया है, जिसके कारण संग्राहकों को मिलने वाली राशि 1,500 करोड़ से बढ़कर 2,521 करोड़ हो गया है। इतना ही नहीं, हमने आदिवासी परिवारों को ऐसी फसलें लेने के लिए प्रेरित किया जो बाजार में बहुत अच्छे दामों पर बिकती है, और इस तरह हमने आदिवासी समाज के लिए उन्नत खेती का रास्ता खोलकर उन्हें प्रगतिशील किसानों की नई पहचान भी दिलाई। लोहांडीगुड़ा में जमीन वापसी के साथ हमने पूरे प्रदेश में वनोपज प्रसंस्करण केंद्र स्थापित करने का निर्णय लिया था। अब प्रदेश में ऐसे 50 केंद्रों में 134 प्रकार के हर्बल उत्पाद तैयार किए जा रहे हैं, जिनकी बिक्री ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के साथ ही राज्य स्थापित संजीवनी केंद्र सी मार्ट आदि से हो रही है। मात्र 4 वर्षों में प्रदेश के 112 विकास खंडों में भूमि का चिन्हांकन और 52 विकास खंडों में भूमि हस्तांतरण हो चुका है। प्रदेश में 562 खाद्य प्रसंस्करण इकाइयां स्थापित की जा चुकी है। लघु धान या मिलेट्स की ज़्यादातर खेती वनांचलों में की जाती है, लेकिन उचित दाम व विपणन सुविधाओं के अभाव में इसका लाभ आदिवासी तथा ग्रामीण जनता को नहीं मिल पा रहा था। हमने मिलेट्स के साथ इसकी खेती करने वाले किसानों को भी मान दिलाया है। कोदो कुटकी रागी खरीदी के लिए समर्थन मूल्य घोषित किया है। इसे राजीव गांधी किसान न्याय योजना से भी जोड़ा गया। छत्तीसगढ़ मिलेट विशेष मिशन का गठन किया गया। 14 जिले में मिलेट्स की उत्पादकता सहित आवश्यक शोध व अनुसंधान हेतु MOU किया गया। मुझे विश्वास है कि मिलेट्स को लेकर देश और दुनिया में जो सकारात्मक वातावरण बना है, उसका लाभ छत्तीसगढ़ के आदिवासियों और किसानों को दिलाने के लिए हमने सही समय पर सही कदम उठा लिया है। हमने अनुसूचित जनजाति तथा अनुसूचित जाति व अन्य पिछड़े वर्ग के विकास के लिए नए नए उपाय किए हैं। आदर्श छात्रावास योजना, एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय योजना, शिष्यवृत्ति योजना, छात्र भोजन सहाय योजना, राजीव उत्थान योजना, राजीव गांधी बाल भविष्य सुरक्षा योजना, जवाहर विद्यार्थी उत्कर्ष योजना जैसे अनेक प्रयासों से सहायता राशि, हितग्राहियों की संख्या और सुविधा में लगातार बढ़ोतरी किए जाने से विद्यार्थियों में नई आशा और विश्वास जागा है। राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव, विश्व आदिवासी दिवस पर सार्वजनिक अवकाश व शहीद वीर नारायण सिंह संग्रहालय जैसे पहल से इन वर्गों का गौरव और आत्मविश्वास बढ़ाने में मदद मिली है। हमने देवगुड़ी तथा गोटुल के महत्व को आत्मसात करते हुए इनके विकास हेतु आर्थिक सहायता में भी बढ़ोतरी की है। विभिन्न परंपरागत काम करने वाले समुदायों की आय वृद्धि हेतु समुचित पहल करने के लिए मंडलों का गठन किया गया है। वहीं चिराग परियोजना के माध्यम से 14 आदिवासी बहुल जिलों में कृषि और इससे जुड़े अवसरों
का लाभ स्थानीय लोगों को दिलाने का कार्य भी शुरू किया गया है। देश के जिन कानूनों का लाभ प्रदेश के आदिवासी समाज को राहत देने के लिए पूर्व में नहीं किया गया था, हमने उस दिशा में भी ठोस कदम उठाए हैं। पेशा कानून के लिए नियम बनाने के मामले में हम देश में पांचवें राज्य बने हैं। जेल में बंद व अनावश्यक मुकदमेबाजी से टूट रहे आदिवासी परिवार को राहत व रिहाई दिलाने का वादा भी हमने निभाया है। आदिवासी बहुल अंचलों में बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, राशन, पोषण, रोजगार, सड़क निर्माण, बस्तर फाइटर के बल में भर्ती जैसे बुनियादी जरूरतों को पूरा करने के लिए हमने विशेष रणनीति अपनाई, जिससे समस्याओं का समाधान तत्काल हो और लोगों को शासन प्रशासन की नज़दीक उपस्थिति महसूस भी हो। समन्वित प्रयासों एवं एकीकृत योजनाओं से स्थल पर हल मिलना शुरू हुआ। नक्सलवाद की जड़ें भी कमजोर होती चली गई, जनजीवन सामान्य हुआ। 13 वर्षों से बंद 300 स्कूलों का जीर्णोद्धार और पुनः संचालन संभव हुआ। यही वजह है कि बस्तर अब नक्सलगढ़ नहीं बल्कि विकासगढ़ के रूप में नई पहचान पा रहा है। बस्तर में अब नियमित हवाई यात्रा की तरह नियमित विकास की ऊंची उड़ान भी देखने को मिल रही है। बहनों और भाइयों, छत्तीसगढ़ राज्य गठन से किसानों और ग्रामीणों के मन में यह उम्मीद जागी थी कि उनको आर्थिक स्वावलंबन के साथ सम्मान भी मिलेगा, लेकिन हकीकत में उन्हें धोखा ही मिला था। 4 साल पहले हमने यह बेड़ा उठाया कि धानी धरती के धानवान किसानों को धनवान बनाएंगे। 1.5 दशक तक उनके साथ हुए धोखों के दुखों को भुलाकर उन्हें खुशहाल जिंदगी का हकदार बनाएंगे। मुझे खुशी है, हमने मात्र 4 वर्षों में धान खरीदी को 56,88,000 मीट्रिक टन से बढ़ाकर 1 करोड़ मीट्रिक टन से अधिक पहुंचा दिया और हर वर्ष एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है। मैं कहना चाहता हूं कि इस उपलब्धि के पीछे कड़ी मेहनत और दृढ़ संकल्प का हाथ रहा है। उदाहरण के लिए 4 साल पहले समर्थन मूल्य पर धान बेचने वाले किसान हताश होने के कारण मात्र 15,77,000 किसानों ने पंजीयन कराया था, जो अब बढ़कर 25 लाख हो गया है। धान बेचने वाले पहले पंजीकृत रकबा मात्र 24,46,000 हेक्टेयर था, जो अब बढ़कर 32 लाख से अधिक हो गया है। खरीदी केंद्र की संख्या पहले मात्र 1,899 थी, जो अब बढ़कर 2,497 कर दी गई है। इसके अलावा बारदाने की कमी, टोकन, टोल भुगतान जैसी समस्याओं के कारण से किसानों को मंडी में बेहद अपमानजनक स्थिति का सामना करना पड़ता था। हमने ऑनलाइन टोकन शुरू किया और ऐसे अनेक इंतजाम किए जिससे धान खरीदी बहुत ही सम्मानजनक, शांति और व्यवस्थित तरीके से हो पाई। इस तरह सुविधा देने के कारण हम देश में सर्वाधिक किसानों का धान खरीदने वाले राज्य भी बने हैं। हमने संग्रहित धान को सीधे मिलिंग के लिए भेजने की नई व्यवस्था की, जिससे धान के नुकसान पर अंकुश लगा। वहीं मिलिंग क्षमता बढ़ने से हम केंद्रीय पूल में सबसे ज़्यादा चावल देने वाले राज्य बन गए हैं। धरती को हम माता मानते हैं, तो हमारा कर्तव्य हो जाता है कि माता की सेहत का पूरा ध्यान रखें, रासायनिक जहर से माटी की शुद्धता को बचाएं। हमने तो नरवा गरवा घुरवा बारी की पहचान छत्तीसगढ़ के 4 चिन्हारी के रूप में की है और सुराजी गांव योजना के तहत इस चिन्हारी को बचाने, बढ़ाने, सजाने, संवारने और आने वाली पीढ़ी को अच्छी से अच्छी स्थिति में सौंपने के लिए बहुत बड़ा अभियान छेड़ा है। मुझे खुशी है कि हमारा यह काम सही दिशा में सही गति से साथ चल रहा है। जगह जगह से भूमि जल स्तर बढ़ने की खबरें आ रही है। जैविक खाद और जैविक खेती को लेकर छत्तीसगढ़ ऊंची उड़ान भर चुका है। लगभग 28 लाख क्विंटल वर्मी कंपोस्ट के उत्पादन से हमारे गौठानों ने ऐसा बड़ा कीर्तिमान बनाया है कि जिसके सामने बड़ी बड़ी कंपनियां कहीं नहीं ठहरती।
कटान को हमने सामाजिक आर्थिक गतिविधियों का केंद्र बनाने का लक्ष्य रखा था। 11,267 गौठान निर्माण की स्वीकृति, 9,716 गौठानों का निर्माण, 4,000 से अधिक गौठानों का स्वावलंबी होना और 300 से अधिक गौठानों में रूरल इंडस्ट्रियल पार्क का शिलान्यास हो जाना अपने आप में सफलता की पूरी कहानी है। मुझे कहते हुए खुशी है कि हम स्वावलंबी गांव तथा गांव को सक्षम गणराज्य बनाने का सपना देखने वाले अपने पुरखों महात्मा गांधी पंडित जवाहरलाल नेहरू की उम्मीदों पर खरे उतर रहे हैं। हजारों गौठान जब रूरल इंडस्ट्रियल पार्क के रूप में गांव में ही गोबर से बिजली बनाएंगे, पेंट सहित विभिन्न आवश्यक चीज़ों का उत्पादन करेंगे, तेल मिल, दाल मिल, आटा मिल, मिनी राइस मिल जैसे हजारों छोटी छोटी औद्योगिक इकाइयों को चलाएंगे, तो इससे हमारे गांव में जो ताकत पैदा होगी उसका अनुमान लगाकर मैं असीम आनंद की अनुभूति करता हूं। मैं इसे अपने सार्वजनिक जीवन और अपने सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धि में शामिल करता हूं। इन्हीं प्रयासों के एक घटक हमारी गोधन न्याय योजना से न सिर्फ पशुधन विकास को नई ऊंचाई मिली बल्कि गोबर के सांस्कृतिक महत्व के साथ ही आर्थिक महत्व को भी रेखांकित करने में बड़ी सफलता मिली है। इस योजना से प्रदेश के 3 लाख से अधिक लोगों को आय का नया जरिया मिला और अब तक 362 करोड़ रुपये से अधिक की आय भी हुई है, जिससे हितग्राही परिवार अपने आवास, वाहन, स्वास्थ्य, जीवन स्तर उन्नयन, मांगलिक कार्य, स्थायी संपत्तियों का निर्माण, आजीविका के संसाधनों के विकास जैसे अनेक काम कर पा रहे हैं, जिससे हितग्राहियों के बड़े उत्साह और उद्यमता से भी विकास का नया वातावरण बना है। हमने किसानों तथा अन्य जनहितकारी योजनाओं के हितग्राहियों को लगभग 1,50,000 करोड़ रुपये की राशि प्रदान करते हुए न्याय योजना को सार्थक बनाया है, तो इस राशि को हितग्राहियों के बैंक खातों में डालने की व्यवस्था भी की है। किसान क्रेडिट कार्ड की संख्या विगत 4 वर्षों में 50% से बढ़कर 81,22,000 हो गई है। साथ ही ग्रामीण और आदिवासी अंचलों में बैंकिंग की सुविधाओं में भी अभूतपूर्व बढ़ोतरी की गई है। मार्च 2021 तक बैंक मित्रों की संख्या मात्र 18,323 थी, जो अब बढ़कर 35,000 से अधिक हो गई है। बैंक शाखाओं की संख्या 22% बढ़कर 573 हो गई है। प्रदेशवासियों की गाढ़े पसीने की कमाई को उच्च स्तरीय संरक्षण से कोई लूट कर ले जाए, इस स्थिति को हम कतई बर्दाश्त नहीं कर सकते थे, इसलिए हमने सरकार में आते ही चीट फंड कंपनियों के खिलाफ मोर्चा खोला। छत्तीसगढ़ में विगत 4 वर्षों में 207 चीट फंड कंपनियों के विरुद्ध अपराध दर्ज कर 650 से अधिक संचालकों और उनके पदाधिकारियों को गिरफ्तार किया गया। अब तक 82 प्रकरणों में 43 कंपनियों के विरुद्ध 73,24,00,000 रुपये की संपत्ति कुर्की नीलामी वसूली का अंतिम आदेश माननीय न्यायालय द्वारा किया जा चुका है। इस तरह 36,239 निवेशकों को 24,87,00,000 रुपये की राशि लौटाई गई। निकट भविष्य में और भी बड़ी राशि लौटाई जाएगी। ऑनलाइन जुआ की रोकथाम के लिए छत्तीसगढ़ जुआ प्रतिषेध विधेयक 2022 पारित होना भी प्रदेश की एक बड़ी उपलब्धि है। निश्चित तौर पर धान के किसानों की खुशहाली से छत्तीसगढ़ महतारी के चेहरे पर मुस्कुराहट आई है, लेकिन हमने धान के साथ साथ हर तरीके के फसल लेने वाले किसानों के आर्थिक सशक्तिकरण के लिए राजीव गांधी किसान न्याय योजना लागू की है। इसके अंतर्गत 3 वर्षों में 16,442 करोड़ रुपये की आदान सहायता दी गई। इस योजना से उद्यान की फसलों को जोड़ने से प्रदेश में साग सब्जी तथा फलों के उत्पादन में तेजी से बढ़ रहा है और इसी के साथ उनके संरक्षण हेतु कोल्ड स्टोरेज की स्थापना, फल सब्जी मंडी तथा प्रसंस्करण इकाइयों में तेजी से वृद्धि हो रही है। प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों में किसान कुटीर
विकसित किया गया है। इस तमाम प्रयासों से अब छत्तीसगढ़ खुशहाल प्रदेशों, खुशहाल किसानों का प्रदेश बन रहा है। इस वर्ष से समर्थन मूल्य पर दलहन की खरीदी का वादा भी हम निभा रहे हैं। भूमिहीन मजदूरों को न्याय कैसे दिलाया जाए, इस संबंध में प्रदेश तो क्या देश में कोई सोच नहीं थी। हमने राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना लागू कर 4,66,000 से अधिक लोगों को वर्ष में सुनिश्चित न्यूनतम आर्थिक मदद देने का सपना साकार किया है। हमने विगत 4 वर्षों में विभिन्न तरह के काम करने वाले श्रमिकों को सीधा लाभ पहुंचाने वाली अनेक योजनाएं शुरू की और उसमें लाभ का दायरा भी बढ़ाया है। मुख्यमंत्री श्रमिक सहायता योजना, मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक निःशुल्क कार्ड योजना, मुख्यमंत्री श्रम संसाधन केंद्र योजना, निःशुल्क गणवेश एवं पुस्तक कापी योजना, खेल कूद प्रोत्साहन योजना, ई श्रम पोर्टल, कारखाना श्रमिक प्रशिक्षण योजना आदि से श्रमिक परिवारों को बहुत राहत दी गई। मुख्यमंत्री श्रमिक सियान सहायता योजना के तहत दी जाने वाली सहायता राशि को दोगुना करने, मुख्यमंत्री आधारभूत शिक्षा प्रशिक्षण सहायता योजना, मुख्यमंत्री नोनी बाबू मेघावी शिक्षा सहायता योजना, निर्माण श्रमिकों के लिए निःशुल्क कोचिंग सहायता योजना शुरू करने की घोषणा भी की गई है। धान की धरती में भूख और कुपोषण का तांडव कैसे चलता रहा, यह सोच कर देखिए। हमने इस कुचक्र को तोड़ने के लिए मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान चलाया, जिसके कारण चिन्हांकित 4,34,000 बच्चों में से 2,65,000 बच्चों को कुपोषण से तथा 1,50,000 महिलाओं को एनीमिया से मुक्त कराया गया। इसके अलावा हमने गर्भस्थ शिशुओं से लेकर सुरक्षित प्रसव, माताओं और शिशुओं के स्वास्थ्य विकास के विभिन्न पहलुओं पर समुचित ध्यान दिया है। हमारे विभिन्न प्रयासों से मातृत्व मृत्यु दर 159 से घटकर 137 हो गई है। दूसरी संतान भी बेटी होने की स्थिति में किसी भी तरह के मदद का प्रावधान पूर्व में नहीं था। इस अंतर को पाटने के लिए हमने कौशल्या मातृत्व सहायता योजना शुरू की। इसी तरह बाल कोष, बाल सक्षम नीति, मिशन वात्सल्य सहित छत्तीसगढ़ महिला कोष, नव अभियान सक्षम योजना, सखी वन स्टाफ सेंटर जैसी अनेक योजनाओं से नारी शक्ति को मजबूत किया जा रहा है। खाद्य सुरक्षा से पोषण सुरक्षा की ओर बढ़ते हुए हमने स्थानीय खान पान की विशेषताओं को और रुचियों का विशेष ध्यान रखा है, जिसे सकारात्मक नतीजे प्राप्त हुए। पोषण सुरक्षा के लिए आयरन फोलिक एसिड युक्त फोर्टिफाइड चावल का वितरण अभी 12 जिलों मध्यान्ह भोजन योजना तथा पूरक पोषण आहार योजना हेतु किया जा रहा है। मैं घोषणा करता हूं कि अप्रैल 2023 से सभी जिलों में पीडीएस के राशन कार्डधारियों को फोर्टिफाइड चावल का वितरण प्रारंभ किया जाएगा। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा 64 लाख अंत्योदय प्राथमिकता एकल निराश्रित एवं निःशक्त जन राशन कार्डधारियों को अप्रैल 2022 से दिसंबर 2022 तक निर्धारित मासिक पात्रता एवं अतिरिक्त पात्रता का चावल निःशुल्क वितरण किया गया। मैं घोषणा करता हूं कि इस वर्ष जनवरी 2023 से दिसंबर 2023 तक मासिक पात्रता का चावल निःशुल्क प्रदान किया जाएगा। हमने वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार सार्वभौम पीडीएस के तहत 2,61,00,000 हितग्राहियों को अर्थात 100% खाद्य सुरक्षा का लक्ष्य पूरा कर लिया है। राशन कार्डधारी अपनी सुविधा से छत्तीसगढ़ अथवा देश के किसी भी राज्य की उचित मूल्य दुकान से राशन प्राप्त कर सकें, इसके लिए वन नेशन वन राशन कार्ड योजना पर अमल किया जा रहा है। 13,518 उचित मूल्य दुकानों में से 13,451 उचित मूल्य दुकानों में ई पास मशीन स्थापित करके आधार प्रमाणीकरण के माध्यम से राशन सामग्री का वितरण किया जा रहा है।
बहनों और भाइयों, मुझे कहने में कोई संकोच नहीं बल्कि सुखद एहसास होता है कि हमने ग्रामीण क्षेत्रों के आर्थिक, वाणिज्यिक, औद्योगिक विकास का पूरा ध्यान दिया है। हमारे गांव निर्माण का केंद्र बने और शहर विक्रय का, इस सोच को धरातल पर उतारने के लिए हम हर संभव प्रयास कर रहे हैं। इसके अलावा हमने छत्तीसगढ़ को नए जमाने के अनुरूप नए औद्योगिक विकास के लिए भी आदर्श राज्य बनाया है। इसके लिए हमने स्टील क्षेत्र जैसे अपनी पुरानी ताकत को फिर से जगाया है, तो खाद्य प्रसंस्करण, दवा, लघु अनुपज, रक्षा, इलेक्ट्रॉनिक्स, जूट, प्लास्टिक, इलेक्ट्रिक वाहन, चार्जिंग स्टेशन, सेवा केंद्र, BPO, 3D प्रिंटिंग, टेक्सटाइल, पर्यटन, मनोरंजन सेवा केंद्र, ब्रिज ग्रेडिंग जैसे क्षेत्रों को भी छत्तीसगढ़ में भागीदारी निभाने के लिए आमंत्रित किया गया। यही वजह है विगत 4 वर्षों में प्रदेश में 1,856 औद्योगिक इकाइयां स्थापित हुई, जिसमें से 19,700 करोड़ रुपये का पूंजी निवेश सुनिश्चित हुआ। हमने शासन प्रशासन की सेवाएं आम जनता तक पहुंचाने के लिए जो घोषणाएं की थी, उन सबको पूरा कर दिया है। विगत 4 वर्षों में हमने 6 नए जिले, 19 अनुभाग, 83 तहसीलों का गठन किया है। शासकीय सेवाओं को पुरानी पेंशन योजना, छत्तीसगढ़ सामान्य भविष्य निधि योजना का लाभ देने हेतु हम अपने निर्णय पर अडिग हैं और इसके लिए समुचित कदम उठाए जा चुके हैं। आम जनता को ऑनलाइन सेवाएं देने के लिए हमने लोक सेवा केंद्रों को सशक्त बनाया, जिसके कारण विगत 4 वर्षों में लगभग 1,14,00,000 आवेदनों का निराकरण इसी प्रणाली से किया गया। इसके अलावा परिवहन, नगरीय निकायों तथा विभिन्न शासकीय सेवाओं में पारदर्शिता के लिए ऑनलाइन प्रणाली को बढ़ावा दिया गया है, जिसका लाभ लाखों लोगों को हो रहा है। मुख्यमंत्री मितान योजना के तहत सभी 14 नगर निगमों में जनता के घर जाकर प्रमाण पत्र, लाइसेंस जैसे दस्तावेज उपलब्ध कराए जा रहे हैं, जिसका लाभ 40,000 से अधिक लोगों को मिला है। मेरा मानना है कि सेहत, समृद्धि और खुशहाली का सीधा रिश्ता होता है। कहा गया है एक स्वास्थ्य हजार नियामत। हमारी सरकार ने जन स्वास्थ्य सुविधाओं को जन जन तक पहुंचाने के लिए युद्ध स्तर पर प्रयास किए हैं। नए अस्पताल खोलने, अस्पतालों के उन्नयन जैसे सारे योजनाबद्ध कार्य तेजी से हों, यह सुनिश्चित करने के साथ ही हमने हर हालत में समुदाय तक पहुंचाने की रणनीति अपनाई। इस तरह चलित चिकित्सालयों को हाट बाजारों, बसावटों, तंग बस्तियों और उन सभी जगहों तक पहुंचाया गया जहां तत्काल आवश्यकता थी। जन स्वास्थ्य सुविधाएं नियमित प्रक्रियाओं के चक्कर में उलझकर विलंबित न हो, यह हमारी सबसे बड़ी चिंता थी। यही वजह है कि विगत 4 वर्षों में हमने मुख्यमंत्री हाट बाजार क्लिनिक योजना, मुख्यमंत्री शहरी स्लम स्वास्थ्य योजना, मुख्यमंत्री दाई दीदी क्लिनिक योजना, हमर लेव जैसी योजनाओं में से 1,90,00,000 से अधिक लोगों की स्वास्थ्य रक्षा की है। श्री धन्वंतरी जेनरिक मेडिकल स्टोर योजना के तहत राज्य के 169 नगरीय निकायों में 193 दुकानें संचालित की जा रही है, जिसके माध्यम से 43,00,000 से अधिक लोगों को 75 करोड़ रुपये से अधिक की बचत हुई है। धनराशि किसी के इलाज में रुकावट न बने, इसलिए हमने डॉक्टर खूबचंद बघेल स्वास्थ्य सहायता योजना और मुख्यमंत्री विशेष स्वास्थ्य सहायता योजना के माध्यम से बड़े पैमाने पर निःशुल्क चिकित्सा की व्यवस्था की है। 4 वर्ष पूर्व तक प्रदेश के विभिन्न अंचलों में जिस तरह से बीमारियां और महामारी फैली थी, उसे तत्काल प्रभाव से रोकने में हमें बड़ी सफलता मिली है। मलेरिया मुक्त छत्तीसगढ़ अभियान से प्रदेश में परजीवी सूचकांक 5.31% से घटकर 0.92% हो रहा गया है। यह सुनिश्चित कर रहे हैं कि नवा छत्तीसगढ़ स्वस्थ छत्तीसगढ़ के रूप में अपनी नई पहचान बनाए। हमने शिक्षा के माध्यम से राज्य की नई पीढ़ी को सक्षम बनाने की दिशा में भी क्रांतिकारी उपाय किए हैं। पहली कक्षा की पढ़ाई मातृभाषा से शुरू करने के लिए राज्य व्यापी भाषाई सर्वे करने वाले हम पहले राज्य हैं। बस्तर के गांव-गांव में
कहानी उत्सव के माध्यम से मातृभाषी में भाषा में शिक्षा देने के अभियान को गति दी गई है। सरकारी शालाओं के बच्चों को का आत्मबल बढ़ाने और उनकी प्रतिभा को संवारने हेतु पब्लिक स्कूलों से बेहतर अधोसंरचना विकसित करने की दिशा में हम तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम के 247 शालाओं और हिंदी माध्यम के 32 शालाओं का संचालन किया जा रहा है, जिसमें 2,15,000 बच्चे को प्रवेश मिला है। आगामी सत्र में 422 नई शालाओं को उत्कृष्टता के इस अभियान में शामिल करने की तैयारी की जा रही है। सुघर पढ़ोइया योजना भी शुरू की गई है, जिसमें विद्यालयों को शैक्षिक उन्नयन में भागीदार बनाकर पुरस्कारों की घोषणा की गई है। अल्प समय में ही 22,000 से अधिक अर्थात 51% विद्यालयों ने इस योजना में शामिल होने की अनुमति देकर बड़े सुधार के दिशा में कदम उठा लिया है। मैं अपील करता हूं सभी विद्यालय अपनी सहमति प्रदान करें। लंबे समय से जिन शासकीय शालाओं की मरम्मत अथवा जीर्णोद्धार नहीं किया जा सका था, इसके लिए हमने 780 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है ताकि तत्काल यह कार्य हो सके। उस शिक्षा को हमने युवाओं के अनुशासन संस्कार और उसके रोजगार की क्षमता बढ़ाने के नज़रिए से देखा और समुचित कदम उठाए हैं। आवश्यकता के अनुरूप हमने सहशिक्षा और बालिकाओं के लिए विशेष महाविद्यालय शुरू किए तथा सीटों में भी बड़े पैमाने पर बढ़ोतरी की है। इससे मुझे यह कहते हुए खुशी है कि महाविद्यालयों में सकल नामांकन अनुपात 5 गुना बढ़ गया है, वहीं छात्राओं की संख्या 2 गुनी से अधिक हो गई है। इस तरह उस शिक्षा के क्षेत्र में बेटियों को आगे बढ़ना एक बड़ी उपलब्धि है। मैं बेटियों को उनके उत्साह, जागरूकता और आगे बढ़ने की दृढ़ इच्छा शक्ति के लिए सलाम करता हूँ। स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट विद्यालयों के तर्ज पर महाविद्यालय खोलने का भी निर्णय लिया गया है, जो उच्च शिक्षा के क्षेत्र उत्कृष्ट केंद्र के रूप में नई प्रतिमान बनेंगे। युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए एक और जहां शासकीय अर्थशासकीय विभागों, निगमों, मंडलों, आयोगों, समितियों आदि में बड़े पैमाने पर भर्ती की गई, वहीं निजी क्षेत्र में भी रोजगार और स्वरोजगार की समुचित व्यवस्था की गई। राज्य लोक सेवा आयोग व्यापम में परीक्षा शुल्क माफ किया गया है। निर्माण विभागों में ई पंजीयन के माध्यम से सीमित निविदा प्रक्रिया का लाभ दिया गया है। गांव से लेकर शहरों तक आर्थिक गतिविधियों में वृद्धि हुई, जिसे बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर पैदा हुए। इस तरह छत्तीसगढ़ में बेरोजगारी दर 0.1% के न्यूनतम स्तर तक लाने में मिली सफलता का श्रेय मैं राज्य के विकास में भागीदार बने आप सभी लोगों को देता हूं। मैं कहना चाहता हूं कि व्यापक जनभागीदारी, नवाचार, समावेशी विकास की हमारी रणनीति से बना छत्तीसगढ़ मॉडल अब देश को सही दिशा दे रहा है। मैंने पहले भी कहा है, विकास का हमारा मॉडल सजावटी और दिखावटी न होकर बुनियादी आवश्यकताओं को पूरा करते हुए जन जन को सशक्त बनाने वाला होगा। इसी सोच में हमने अधोसंरचना विकास को भी ढाला है, जिसका निर्माण समय सीमा में पूर्ण हो, जिसका लाभ जनता को तत्काल मिलना शुरू हो, ऐसी सड़क, जल संसाधन, बिजली प्रदाय आदि की अधोसंरचना का विकास किया गया। स्वास्थ्य अधोसंरचना के लिए कोरोना काल में राज्य आपदा मोचन निधि तथा अन्य मदों से समुचित राशि दी गई। जब नगरीय निकायों को जरूरत थी तब हमने उन्हें एकमुश्त बड़ी आर्थिक सहायता दी गई। अब अस्पताल और स्कूलों की जरूरत थी तब उसके लिए एकमुश्त सहायता राशि की घोषणा की गई। वैसे ही बरसात के बाद जब सड़कों पर गड्ढे उभरे तो अभियान चलाकर 6,000 किलोमीटर सड़कों की मरम्मत हेतु घोषणा की गई। इसमें बजट में कोई कमी नहीं होगी, समय पर कार्य पूरा होना ही हमारी प्राथमिकता होगी। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत वर्ष 2020 तक 9,39,335 आवासों की स्वीकृति देकर 8,33,488 का निर्माण पूरा हो चुका है तथा शेष का निर्माण शीघ्र पूरा कर दिया जाएगा।
वर्ष 2021-22 में 1,57,815 आवासों के लक्ष्य के अनुरूप 100% स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है। मुझे खुशी है कि आर्थिक तंगी के कठिन दौर में भी हमारी रणनीति के चहुंओर राहत पहुंचाई गई और विकास को गति दी गई। बहनों और भाइयों, 26 जनवरी 2024 को हम 75वां गणतंत्र दिवस मनाएंगे। यह हमारे गणतंत्र का अत्यंत गौरवशाली पड़ाव होगा। जैसा कि मैंने पहले भी कहा है, गणतंत्र जन जन के अधिकारों और गौरव का दिन है। यह भारतीय संविधान के प्रति आस्था ही नहीं बल्कि हमारी एक दूसरे के प्रति आस्था, विश्वास, सद्भाव और विकास में सबकी भागीदारी सुनिश्चित करने का संकल्प का दिन भी है। इसलिए मैं आप सब से आह्वान करता हूं कि संविधान के सिद्धांतों, मूल्यों और पालन के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को मजबूत बनाने की दिशा में रचनात्मक कार्यों का सिलसिला सभी लोग अपने अपने स्तरों पर शुरू करें। हमारे पुरखों ने सिखाया है कि अपनी माटी, परंपराओं और संस्कृति से जुड़कर हम एकजुटता से सेतु बनाते हैं। इन मूल्यों के विपरीत चलने का खामियाजा पहले भी बहुत भुगता जा चुका है। इसलिए हम छत्तीसगढ़िया अस्मिता, स्वाभिमान और स्वावलंबन के अलग जगाने के लिए छत्तीसगढ़ माताजी की प्रतिमा स्थापित कर रहे हैं, जो जाति धर्म संप्रदाय से ऊपर उठकर छत्तीसगढ़ियत के आदर्श का विस्तार होगी। छत्तीसगढ़ राज्य को ही यह सौभाग्य मिला कि इसके नाम के साथ मातारी शब्द जुड़ता है, जो मातृशक्ति के प्रति हमारी गहरी आस्था का प्रतीक है। इसलिए हम कहते हैं, बात है अभिमान के, छत्तीसगढ़िया स्वाभिमान के। मैं चाहूँगा कि सार्वजनिक आयोजनों में छत्तीसगढ़ मातारी की प्रतिमा, उनका चित्र, राजगीत, राजकीय प्रतीक, छत्तीसगढ़िया गमछा, बोरेबासी तथा छत्तीसगढ़िया खान पान पर विशेष ध्यान रखा जाए। छत्तीसगढ़िया त्योहारों पर घोषित किए गए सार्वजनिक अवकाश का उपयोग त्यौहार के महत्व के अनुरूप में आयोजन किया जाए। छत्तीसगढ़िया ओलंपिक के माध्यम से पारंपरिक ग्रामीण खेलों के प्रति चेतना जगाने और आपसी सद्भाव को मजबूत बनाने में हमें अपार सफलता मिली है। इससे बने वातावरण से प्रदेश में खेल अधोसंरचना के विस्तार के अभियान को गति मिलेगी और तथा इसका लाभ युवाओं को खेल कूद में भी बड़ी सफलता के रूप में मिलेगी। मुझे विश्वास है कि हमारे विकास के हमारे छत्तीसगढ़ मॉडल ने प्रदेश के जीवन स्तर, उन्नयन, समृद्धि, खुशहाली और स्वावलंबन की दिशा में जो उपलब्धियां दिलाना शुरू की है, वह सभी प्रारंभिक दौर में ही है। इसे बहुत ऊंचाइयों और कई शिखरों पर जाने की संभावना है। मुझे पूरा विश्वास है आप सबके सहयोग, समर्थन और भरोसे से की पूंजी से हम छत्तीसगढ़ को देश का सबसे समृद्ध और खुशहाल राज्य बनाने में सफल होंगे। आज इस अवसर पर मैं कुछ घोषणाएं करना चाहता हूं। मुख्यमंत्री आदिवासी पर्व सम्मान निधि, छत्तीसगढ़ के आदिवासी समाज की संस्कृति एवं पर्वों के संरक्षण के लिए राज्य सरकार कटिबद्ध रही है। मैं इस क्रम में घोषणा करता हूं कि आगामी वित्त वर्ष से सरकार बस्तर संभाग, सरगुजा संभाग एवं प्रदेश के अनुसूचित क्षेत्रों में आदिवासी समाज के पर्वों के उत्तम आयोजन के लिए प्रत्येक ग्राम पंचायत को 10,000 रुपये प्रतिवर्ष प्रदान करेगी। मैं घोषणा करता हूं कि अगले वित्तीय वर्ष से बेरोजगारों को हर महीने बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। महिला समूह, महिला उद्यमों, महिला व्यवसायियों, महिला स्टार्टअप को व्यापार उद्योग स्थापित करने हेतु नवीन योजना आरंभ की जाएगी। मैं घोषणा करता हूं कि छत्तीसगढ़ की संस्कृति और विरासत को सहेजने और संजोने के बाद छत्तीसगढ़ को प्रगति के पथ पर अनवरत आगे बढ़ाने के लिए राज्य में छत्तीसगढ़ राज्य नवाचार आयोग का गठन किया जाएगा। रायपुर एयरपोर्ट में यात्री सुविधाओं को बढ़ावा देने, एयरपोर्ट क्षेत्र के वाणिज्यिक विकास और रोजगार सृजन के लिए मैं स्वामी विवेकानंद विमानतल के पास एयरो सिटी विकसित किए जाने की घोषणा करता हूं।
मैं घोषणा करता हूं कि छत्तीसगढ़ में कुटीर उद्योग आधारित ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ बनाने, रोजगार और लोगों के आय बढ़ाने के लिए ग्रामीण उद्योग नीति बनाई जाएगी। उद्योग विभाग द्वारा विकसित औद्योगिक क्षेत्र में स्थित इकाइयों को संपत्ति कर से उद्योग विभाग द्वारा विकसित औद्योगिक क्षेत्र में स्थित इकाइयों को संपत्ति कर के भार से मुक्त किया जाएगा। रायपुर और दुर्ग जिले के जीवन दायिनी और जन आस्था का केंद्र खारून नदी व्यापार और मनोरंजन का भी एक महत्वपूर्ण केंद्र है। खारून नदी पर उत्कृष्ट रिवर फ्रंट विकसित करने की घोषणा मैं करता हूं। बिजली बिल हाफ योजना को मिले उत्कृष्ट प्रतिसाद के बाद मैं घोषणा करता हूं कि बिजली उपभोक्ताओं की सुविधाओं के लिए अत्याधुनिक ऑनलाइन शिकायत एवं निराकरण प्रणाली विकसित की जाएगी। छत्तीसगढ़ भवन अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल में लगातार 3 साल पंजीकृत निर्माणी श्रमिकों को स्वयं मकान बनाने हेतु 50,000 रुपये अनुदान देने की नई योजना लाई जाएगी। छत्तीसगढ़ की जनता के अगाध आस्था भाचा राम माता कौशल्या में है। मैं घोषणा करता हूं कि प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय रामायण मानस मंडल महोत्सव का आयोजन करवाएंगे। छत्तीसगढ़ माता कौशल्या की धरती है, अतः मैं प्रतिवर्ष चंदखुरी में कौशल्या महोत्सव आयोजन करने की घोषणा करता हूं। आदरणीय साथियों, हम सब मिलकर इस प्रदेश को देश का सबसे समृद्ध और खुशहाल राज्य बनाने में हम सफल होंगे। स्वतंत्रता जिंदाबाद, लोकतंत्र जिंदाबाद, संविधान जिंदाबाद, छत्तीसगढ़ मातारी की जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद।